हेलो फ्रेंड्स, आज के इकोनॉमी एमसीक्यू डिस्कशन में हम लोगों ने जो टॉपिक लिया है वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमें कमेंट में पीडीएस और रेशनिंग के बारे में डिस्कशन लेने के लिए सजेशन आया था, उसी के तहत हमने आज ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट है, इट इंश्योर्स फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। दूसरा स्टेटमेंट है, इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग फूड प्राइसेस। तीसरा स्टेटमेंट है, इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ऑप्शंस हैं, वन ओनली, वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री। ठीक है, देखिए बहुत आसान सवाल है। अगर हमें पीडीएस के बारे में पता है तो इसमें ज़्यादा हमें दिमाग लगाना नहीं है। बहुत हम अगर अलग अलग एंगल से दिमाग लगाना शुरू करेंगे तो ये क्वेश्चन हम गलत कर देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आसानी से इसको सही किया जा सकता है, पर हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझना शुरू करते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए भारत एक बहुत बड़ा देश है, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। उनकी ज़रूरतें हैं जो वो खुद से पूरी नहीं कर सकते। भूखमरी जैसे हालात भी देश में बने रहते हैं। अक्सर हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं कि कई लोग भूख से मर गए। अब लोगों को बचाने का, लोगों का पेट भरने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की होती है, और सरकार इसी जिम्मेदारी के तहत कुछ स्टेप अपनाती है। अब अगर भूखे लोगों को खाना खिलाना है तो उसके लिए सरकार के पास अनाज होना चाहिए। सरकार के पास अनाज होगा तभी तो सरकार भूखे लोगों को देगी। अनाज कहाँ से मिलेगा? अनाज मिलेगा किसानों से, क्योंकि किसान ही तो अनाज उगाते हैं। अब देखिए, एक ही सिस्टम है, उसी सिस्टम के जरिए बहुत सारे हमारे लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। किसान ने खेती की, खेती करने के बाद में उसने अपने उपज को मंडी में बेचने के लिए ट्राई किया। मंडी में बेचने के लिए जब वो गया तो हो सकता है कि मंडी के जो व्यापारी हैं वो उसे बहुत कम दाम में उसकी उपज लें, बिकॉज वो सोचेंगे कि हम इसे कम दाम में लेकर के और होलसेल में मार्केट में बड़े दाम में बेचेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट को अनाज की ज़रूरत है क्योंकि भूखे लोगों को अनाज गवर्नमेंट को देना है, और गवर्नमेंट ये भी समझती है कि किसानों की सहायता करना भी ज़रूरी है क्योंकि किसान ही है जो अनाज को उगाते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, उन भूखे लोगों के लिए किसान से अनाज लेगी, और अनाज लेते समय वो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP डिसाइड करेगी कि हम जो गेहूं है वो पर क्विंटल इतने रुपए में लेंगे, और इससे कम में कोई भी गेहूं को मार्केट में नहीं खरीद सकता किसानों से। इससे क्या होगा, किसानों को एक मिनिमम स्टैंडर्ड प्राइस मिल जाएगा, किस चीज का, उनकी उपज का, और सरकार को क्या होगा, सरकार को अनाज मिल जाएगा जिसे वो आगे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट क्या देखा, हमने देखा मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार द्वारा तय किया गया ऐसा दाम होता है जो किसानों से डायरेक्ट उपज को लेने के लिए निर्धारित किया जाता है। उससे कम दाम में कोई भी किसानों से वो उपज नहीं ले सकता है। ठीक, अब गवर्नमेंट के पास में ये उपज आ गई या ये अन्न आ गया, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इसे कोल्ड स्टोरेज में, वेयर हाउस में रखेगी जिससे कि ये खराब ना हो। अलग अलग अपने ठिकानों में इन अनाज को, इस उपज को रखेगी, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है सब कुछ करने के लिए, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो जो FCI होती है, FCI इस खाद को, इस खाद्यान्न को या इस उपज को, इस अनाज को मंडियों से उठा करके कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस आदि जगह में रख देती है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अब गवर्नमेंट को इस पूरे के पूरे जो अनाज उसने प्रोक्योर किया है किसानों से MSP में, उसे इसे मार्केट में बेचना है। मार्केट में बेचना इन द सेंस उन लोगों को देना है कम से कम दाम में, जिन लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है या उपज नहीं है या खाना नहीं है। तो वो क्या करेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ये करेगी कि गवर्नमेंट एक उचित राशि की, उचित मूल्य की दुकानें जो होती हैं जिसे हम लोग फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं, उनमें इस अन्न को भेजेगी, इस उपज को भेजेगी, और बोलेगी कि आप यहाँ पे मिनिमम दाम में गेहूं, चना, दाल और आटा, ये सब कुछ बेचेंगे, और चावल।
अब जो उचित मूल्य की दुकान होती है वहां पर गवर्नमेंट एक रेट तय कर देती है कि जो मार्केट में दाम है उससे कम दाम में आपको ये सामान उन लोगों को बेचना है जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं वो उस दुकान में जाएंगे और उस दुकान में जाकर के उचित मूल्य में मार्केट से कम दाम में उस अनाज को या उपज को खरीद करके और अपने घर लेके जाएंगे और वो उनके लिए जीवन यापन का साधन बनेगा। अब देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें क्या क्या हुई। एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हुआ जो सरकार ने फार्मर्स को दिया, किसानों को दिया। दूसरा क्या हुआ, दूसरा हमने FCI को देखा कि FCI जो है वो सामान उठा करके वेयर हाउस में रखती है। फिर हमने देखा कि फेयर प्राइस शॉप होती हैं, उचित मूल्य की दुकानें होती हैं जो जिले स्तर पे होती हैं हर जगह। वहां पर ये सारे के सारे अन्न जाएंगे और वहां पे जा करके पब्लिक को देने के लिए रखे जाएंगे। फिर वो लोग जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं जिनको जीवन यापन करने के लिए बहुत जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो उनके पास नहीं है, वो उनको सब्सिडरी रेट पे जो गवर्नमेंट ने कम मूल्य एक तो ठीक ठाक मूल्य में खरीदा और उसमें भी उसको सब्सिडी देकर के उसके रेट को और कम कर दिया और कम रेट में उसको फेयर प्राइस शॉप में लोगों तक पहुंचवा रही है, तो बहुत कम रेट में उनको वहां से अनाज खाने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम है इसे हम बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जो सब कुछ हुआ मंडी से लेकर के गवर्नमेंट द्वारा वहां से प्रोक्योरमेंट से लेकर के और डिस्ट्रीब्यूशन तक जो पूरा जो इस जो सिस्टम है इसे हम क्या बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। और भारत जैसे विकासशील देश में जहां पर लोगों में बहुत अधिक बेरोजगारी है, जहां पे खाने का संकट हमेशा बना रहता है, तो PDS बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, अब अगर हम इसी पूरे जो हमने जो पूरा पूरी जो इसमें सीक्वेंस हमने अभी देखा अगर उसी से हम इंटरप्रेट करना शुरू करें तो हम देखेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस हमें मालूम चल जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन में, इट इंश्योर्स फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। बिल्कुल सही बात है, पूरे PDS सिस्टम का मोटिव ही क्या है, पूरे PDS सिस्टम का मोटिव यही है कि जो लोग जिन्हें खाना नहीं मिल रहा, जिन्हें पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, उनको हम खाना पहुंचाएं, उन तक हम पोषक तत्व पहुंचाएं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया कि इट इंश्योर्स फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग फूड प्राइस। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं, ये बोल रहा है कि इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द फूड प्राइस। फूड प्राइस को स्टेबलाइज करने में ये हेल्प कैसे करता है? पहली बात तो ये कि अगर गवर्नमेंट PDS नहीं करेगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं चलाएगी अगर सरकार, तो सबको उसी रेट में सामान खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिस रेट में बाजार में सामान उपलब्ध है। अब बाजार में जो सामान उपलब्ध है वो महंगा होता है, अगर वो महंगा है तो उसे कम लोग ले पाएंगे, कम लोग ले पाएंगे और उसकी डिमांड हमेशा हाई बनी रहेगी। डिमांड अगर उसकी हमेशा हाई बनी रहेगी तो उसके रेट लगातार बढ़ते रहेंगे और इससे उसका जो रेट है, जो फूड का जो प्राइस है वो स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, है ना, लगातार बढ़ रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो फूड खरीद पा रहे हैं और जिनके पास नहीं है वो नहीं खरीद पा रहे हैं। लेकिन अगर वही PDS सिस्टम हो जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर हो जाता है, तो लोगों के पास ऑप्शन है, जिनके पास पैसा नहीं है वो अपनी पूरी पूंजी केवल खाने में ही खर्च करने में नहीं गंवा सकते, वो अब अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा खाने में गंवाएंगे क्योंकि अब उनको सस्ते दाम में अनाज मिलना शुरू हो गया है PDS से। और ये बाहर के व्यापारियों को भी पता है कि PDS में सस्ते दाम में अनाज मिलता है। ठीक, तो अब वो अपने रेट को उतना अधिक नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि उतनी अधिक डिमांड उनके पास नहीं होगी, क्योंकि आधे या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अब PDS या फेयर प्राइस शॉप से, उचित मूल्य की दुकान से सामान खरीदना शुरू कर देंगे। तो जो बाजार में जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस था, जो ज्यादा दबाव था बाजार के अंदर चीजों को मांगने का, या दुकानदार पांच थे और लोग खरीदने वाले बहुत बहुत अधिक थे, या फिर वस्तुएं कम थी और वस्तुओं का रेट ज्यादा था और मांगने वाले लोग बहुत ज्यादा थे, तो अब क्या है, डिमांड डिवाइडेड हो गई। कुछ लोगों को फेयर प्राइस से सामान मिल जा रहा है वो भी कम दाम में, और कुछ लोगों को जो सक्षम है वो बाजार से खरीद सकते हैं। तो बाजार पे जो स्ट्रेस है, जो दबाव है, वो कम हो गया और इससे क्या हुआ, जो मूल्य है, क्योंकि अब जब डिमांड मार्केट में थोड़ी सी कम होगी तो सप्लाई के हिसाब से रेट थोड़े थोड़े गिरने शुरू हो जाएंगे और इस प्रकार से PDS जो है मार्केट में स्टेबलाइज, प्राइस स्टेबलाइज करने में सहायता करता है फूड्स की। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू
टू द इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोटेक्शन। अब ये दो बातें तो ठीक थी कि एक तो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, दूसरा मार्केट में फूड प्राइस स्टेबलाइजेशन करता है। अब ये तीसरा वाला थोड़ा ट्रिकी है। ये बोल रहा है कि इट कंट्रीब्यूट्स टू द इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोटेक्शन। अब ये बोल रहा है कि ये जो अनाज के उत्पादन में ये सहयोग करता है, अनाज के उत्पादन को बढ़ाने में ये सहयोग करता है। तो अगर हम थोड़ा सा एमएसपी वाले कॉन्सेप्ट में जाएं, अगर मान लीजिए कोई किसान है, अगर वो मंडी में जाता है और उसे मंडी में अपने अनाज की बहुत कम दाम मिलता है, तो जाहिर सी बात है अगली बार से वो खेती करने के बजाय शहर की तरफ जा करके और किसी फैक्ट्री में काम करना पसंद करेगा, क्योंकि उसकी जिस हिसाब से उसने मजदूरी की, जिस हिसाब से उसने मेहनत की, उस हिसाब से उसको दाम बाजार में नहीं मिल रहा है तो वो हतोत्साहित हो जाएगा। लेकिन जब से एमएसपी आया है, एमएसपी ने एक एश्योरेंस दिया है किसानों को कि उन्हें कम से कम मूल्य तो अपनी उपज का मिलेगा ही मिलेगा, जो चाहे वो खेती ज्यादा हुई हो या खेती कम हुई हो, चाहे उसकी उपज ज्यादा हो या कम हो, चाहे मार्केट में उसकी डिमांड हो या ना हो, पर एक निश्चित मूल्य जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है उतना तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, उससे ऊपर भी उसे मार्केट में मिल सकता है। तो इससे जो है जो किसान है उनके अंदर मोटिवेशन आया है कि वो खेती करते रहें या और बढ़ चढ़ के अनाज को उपजाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट में उन्हें गवर्नमेंट एक निश्चित दाम में उनका सामान तो खरीद ही लेगी। और इसलिए ये जो मोटिवेशन फैक्टर है एमएसपी वाला, उसके जरिए जो किसान है वो ज्यादा मोटिवेट हुए हैं खेती करने के लिए और अनाज उपार्जन करने के लिए। और इस तरह से अल्टीमेटली इनडायरेक्टली जो पीडीएस के अंदर एमएसपी सिस्टम है उसने जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने में हेल्प की है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं और जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, डी 1, 2 और 3। अब देखिए एक चीज जो इसमें अभी हम लोग नहीं डिस्कस कर पाए वो है रेशनिंग। ठीक है, अब रेशनिंग क्या होता है, हमने मार्केट में सुना है राशन कार्ड, सबके घर में राशन कार्ड मिलता है और जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनके राशन कार्ड में ये मेंशन होता है कि वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन का राशन कार्ड बनता है। और वही राशन कार्ड ले जाकर के अगर वो उचित मूल्य की दुकान में दिखाएंगे तो उन्हें बाजार से कम दाम में जो अनाज और बाकी वस्तुएं हैं जरूरी वो उनको वहां से मिल जाती हैं, जिसमें चीनी और केरोसिन भी शामिल है। ठीक, अब जो ये राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए राशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये रूस से आया है, तो अभी हाल ही में उसे रूस कहते हैं लेकिन पहले वो सोवियत संघ था। तो सोवियत संघ में जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने एक चीज तय की थी, उन्होंने रेशनिंग सिस्टम चलाया था। और वो रेशनिंग सिस्टम का मतलब ये था कि जो लोन का जो पैसा जो किसी भी उद्योग को बढ़ाने के लिए दिया जाता है वो उन्होंने रेशनिंग डिसाइड कर दी थी कि सीमेंट उद्योग के लिए इतना पैसा लोन में दिया ही जाएगा या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए इतना पैसा दिया ही जाएगा, छोटे लोगों को जो छोटे बिजनेस करने वाले हैं उनको इतना लोन का इतने प्रतिशत भाग ही दिया जाएगा। ठीक है, और तो इस तरह से जो पूरा जो इकोनॉमी में जो फंड था उस फंड की उन्होंने रेशनिंग करी थी। रेशनिंग में रेशनल का मतलब होता है उचित, है ना, और रेशनिंग का मतलब है उचित तरीके से वितरण करना या उचित तरीके से उसको बांटना। तो रेशनिंग करने का मतलब यह है कि जो इकोनॉमी में जो पूरा फंड था उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया था कि सबको उचित तरीके से उसमें हिस्सा मिल जाए। उसी कॉन्सेप्ट को अगर इंडिया में हम लोगों ने पीडीएस में अपनाया है, हम क्या बनाते हैं, रेशन कार्ड बनाते हैं। तो रेशन कार्ड क्या है, वो रेशनिंग वही है कि हमने लोगों को डिवाइड किया उनकी आवश्यकता के हिसाब से, कोई अबव पॉवर्टी लाइन है, कोई बिलो पॉवर्टी लाइन है। और उसी रेशनिंग सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं वो लोग जाते हैं और जा करके उचित मूल्य की दुकान से सामान खरीद सकते हैं। अब देखिए महंगाई को कंट्रोल करने में बहुत अधिक जो है ना वो पीडीएस का रोल है। जब मंडी से किसानों से जब सरकार उनकी उपज को लेती है, बहुत ज़्यादा वो स्टॉक रखती है अपने पास में, क्योंकि सारा का सारा तो लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं है, गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन स्टॉक रहता है। जब कभी मार्केट में जो प्राइस है वस्तुओं का ऊपर नीचे होता है तब गवर्नमेंट क्या करती है, जो उसके पास फूड ग्रेन स्टॉक में रखा हुआ है उसको वो मार्केट में सप्लाई करना शुरू कर देती है। अगर रेट बहुत ज़्यादा है तो सप्लाई बढ़ा देती है गवर्नमेंट फूड ग्रेन की अपने स्टॉक में से,
और इससे मार्केट में जो रेट है वो कम हो जाता है। और अगर मार्केट में रेट बहुत कम है तो गवर्नमेंट अपने स्टॉक में से फूड को निकालना बंद कर देती है, जिससे कि फिर से बाजार में जो है फूड्स के रेट स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट तीनों काम करती है, एक तो फूड सिक्योरिटी का ध्यान रखती है, दूसरा मार्केट में फूड प्राइस स्टेबलाइजेशन भी करती है, और MSP के जरिए किसानों को अधिक से अधिक प्रोडक्शन करने के लिए मोटिवेट भी करती है। तो इस प्रकार से तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आपने रेशनिंग समझ लिया, आपने PDS समझ लिया, आपने MSP समझ लिया, आपने फेयर प्राइस शॉप समझ ली। अब देखिए जो ये PDS सिस्टम होता है, इस पे काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने आपस में डिवाइड करके रखा है। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मंडी से उपज जब आती है उस उपज को खरीदेगी और वेयर हाउस तक रखेगी। यहां तक का काम किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। मंडी में किसानों से उपज को लेना और वेयर हाउस तक रखना, यह काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। वेयर हाउस से फेयर प्राइस शॉप तक, उचित मूल्य की दुकान तक सामान को पहुंचाना और लोगों को बांटना, यह काम किसका है? यह राज्य सरकारों का काम है। इसमें जो खर्च होता है वो केंद्र सरकार उठाती है, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो जो उचित मूल्य की दुकानों में जो सामान मिल रहा है उसको और सस्ते दाम में देने के लिए राज्य सरकार राज्य स्तर पर भी सब्सिडी दे सकती है। तो ये केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलकर चलाई जाने वाली एक प्रकार का सिस्टम है, और यही सब कुछ है जो हमने PDS और रेशनिंग और MSP के बारे में समझना और जानना चाहिए। अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, लोगों तक शेयर करिए और पहुंचाइए। आपको किस टॉपिक पे कंफ्यूजन है, आपको किस टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब